पिला माने तुमे माने राघवंक लंका यात्रानुकूल कवितार कवि उपेन्द्र भंजंकर कवि परिचय पाई सारिछ। वर्तमान कवितार पृष्ठभूमि विषय रे आलोचना करिबा। भारतीय हिंदू संस्कृति रे परमेश्वर को परम ब्रह्म परम आत्मा एवं भगवान एही तीनोटी नाम रे परिचित करा जाए। यथा ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति कथ्यते। एही भगवान सृष्टिर कल्याणार्थे अवतार ग्रहण करी मर्त्यलीला रचना करिथांती। भगवानकर मुख्य दशावतार ग्रहण प्रसंग तुमे जानिथिबो। भागवतरे मध्य भगवानकर 24 अवतार ग्रहणर प्रमाण रहिछि। शास्त्रमानक मतरे भगवानक अवतार असंख्य। तथापि हिंदू संस्कृति एवं ओडिशार वैष्णव धर्म क्षेत्ररे भगवानक रामावतार ओ कृष्णावतार हिंदू समाज उपरे सबुठु बेसी प्रभाव पकाई आसिछंती। वाल्मीकि रामायणरे रामचंद्रंकु रामस्तु भगवान स्वयं बोली ग्रहण करा जायछि। भगवान रामचंद्र अयोध्यार रघुवंशरे दशरथ रंदन भावरे जन्मग्रहण करिथिले। दशरथंकर तीन रेणी थिले कौशल्या सुमित्रा एवं कैकेयी। रामचंद्र थिले ज्येष्ठा रानी कौशल्यांक पुत्र। सुमित्रांक पुत्र थिले लक्ष्मण और शत्रुघ्न। कनिष्ठा रानी कैकेयीक पुत्र थिले भरत। दशरथ रामचंद्रंक चारित्रिक सुशीलता एवं वीरत्व को विचार को नहीं कुलगुरु वशिष्ठ परामर्श ग्रहण करी तांकु अयोध्यार राजपदरे अभिषिक्त करिबाकु निष्पत्ति नेले। एति पूर्वरु दशरथ कैकेयीकु दुई गोटी बर प्रदान करिवे बोली सत्यबद्ध थिले। एणु मंथरा नामक दासीर अपप्रेरणारे कैकेयी दशरथंकु प्रथम बररे तांको पुत्र भरत अयोध्यार राजा हेबो एवं द्वितीय बररे रामचंद्र 14 वर्ष वनवास जिबा पई बर प्रार्थना कले। रामचंद्र पितृसत्य पालन करि वनवासी हेले। तांको सह तांको पत्नी सती सीता आदर्श सहधर्मिणी व्रत पालन करिबाकु वनवासिनी हेले। अनुज लक्ष्मण मध्य भातृभक्ति प्रदर्शन करि तांको सह अनुगमन कले। पंचवटी वनरे पत्रकुटीर निर्माण करि अवस्थान करिबा कालरे लंकागड़र राजा विश्रवानंदन रावण मारीच नामक राक्षस को मायामृग स्वरूप प्रेरण करी राम सीता भ्रमित करी सीता लंकागड़ हरण करने को छल प्रस्तुत कला। बलराम दास ओडिया दांडी रामायण रे मायामृगर सुंदर वर्णनाटी रही। मणिमाणि चर तार शृंग दोई गोटी। पिला माने से मृगर शरीर थिला सुवर्णर एवं तार शृंग दुईटी मणि एवं माणिक्यरे तयारी होइथिला। दांत तार मुकुतामा माणिक्य जानी जीभ ललाटर शोभा नीलरत्न भाव। से मृगटीर दांत मुक्तारे निर्मित होता एवं तार जीभ मध्य माणिक्यरे निर्मित होता एवं तार ललाट नीलरत्न पत्थर रे तयारी होता। हीरास्पटी कर तार खुराग्रचारी लांज गोटी अटई जे कनक चामरी। सही मृगटीर खुरा हीरा एवं स्पटिक रे तयारी होता एवं तार लांज कनकर केशगुच्छर जमती सज्जित होता अर्थात तो कनकर चौरी बा जमती सुनार चौर पर देखा जाऊला। एपरी अपूर्व मृग को सीता जीवंत धरी आणवाकू रामचंद्र को निवेदन कले। रामचंद्र मृगर पश्चात धावन करी दूर को चली जानते मृग त्राही लक्ष्मण बोली डाक देला।
सीता रामचंद्र को विपदे पड़ अनुमान करी लक्ष्मण को तांको पाखकु प्रेरण कले। रामचंद्र वीरत्व सन्देह नथिबा सत्वे सीता बाध्यबाधकता हेतु लक्ष्मण पंचवटी पर्णकुटीर चतुर्पार्श्वरे तीन गोटी गार काटी ताहाकु लंघन करी बाहर को न जीवा पाई सीता निवेदन करी रामचंद्र दिगरे अग्रसर हेले। एतिकि बेले मायावी रावण ज्योतिवेश धारण करी प्रवेश कला एवं भिक्षा मागिबार अभिनय कला। सीता रावणर अनुरोध रे तिनिगार टपी बाहर को आसी भिक्षादान करिबा बेले से बल प्रयोग करी सीता हरण करी पुष्पक जानरे लंका कटक को प्रस्थान कला। राम लक्ष्मण कुटीर को फेरी सीता हरण विषय गुर्ध्रराज जटायु ठारु संवाद प्राप्त हेले। जटायु रावण ठारु सीता मुक्त करने को जाई युद्ध करी पक्षहीन होइथिले। एही समय को बानरराज बाळींको द्वारा प्रपीड़ित और विताड़ित होई अनुज सुग्रीव ऋष्यमुख पर्वत उपरे आत्मगोपन करुथिबा बेले रामचंद्रंकर साक्षात पाई तांको सह मित्रता सूत्र रे आबद्ध हेले एवं सुग्रीवंकु विपदमुक्त करिवार प्रतिश्रुति देई रामचंद्र महापराक्रमी बाळी को बध कले। उत्कलीय भक्ति धर्म रे प्रभु श्रीजगन्नाथ को समस्त अवतार रो मूल उत्स बोली ग्रहण करा जाए। से होचंती परम ब्रह्म एवं अवतारी पुरुष। गोटे भक्ति गीत रे उपेन्द्र भंज पदटी लिखिछंती तुम माने सुनो। सुग्रीवर संगे मैत्र होइला बंध जे बांधिला सिंधु जले लंकारे रावण बधिल आपण जनक नंदिनी सीता छले महोदधि कूले कल्प बाट मूले विजे करिछ बड़ देउले फणे उप इंद्र कवि कुल चंद्र शरण तुम पाद तले। बाळींकु वध करी रामचंद्र सुग्रीवंकु बानर राज बोली घोषणा कले एवं वृक्षराज बा भल्लुक राज जांबवानंकर मध्य से प्रिय पात्र हेले। फळरे सीतांकु लंका कटकरु मुक्त करी आणिबा पई से उभय बानर ओ भल्लुक सेनांकु नै समुद्र रे सेतुबंध निर्माण करिबा पई उद्यम कले। पिला माने एई ठारु तुम मानकर पाठ्यांशर शिक्षादान करा जीव। तुम्हें माने मन दे पदगुड़ी शुणब बुझे तार अर्थ गुड़ी भल रूपे अनुशीलन करी तुम्हें शुण बुझ जहाँ प्रश्न तुम मनरे उंकी मार तुम्हें प्रश्न पचारे तुम्हें उत्तर।